नमस्कार मित्रों, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी ने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए ऐसी ऐसी कठोर यातनाएं सहन की हैं जिनके बारे में सुनकर ही हृदय कांप जाता है। पर कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें लगातार अपशब्द बोलते आए। अब इन्हीं लोगों में एक नया नाम जुड़ गया है, चंद्र कुमार बोस का। इनकी पहचान बस इतनी है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं। इसके अतिरिक्त इनके जीवन की अन्य कोई उपलब्धि नहीं। अभी स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए नेताजी को भी दिखाया गया है। सावरकर जी उन्हें विदेश जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये देखकर चंद्र कुमार नामक इस व्यक्ति की भावनाएं आहत हो गईं। इस व्यक्ति ने अभिनेता रणदीप हुड्डा को चेतावनी देते हुए ट्विटर पर लिखा कि डोंट डिस्ट्रॉय हिस्ट्री। चंद्र कुमार का कहना है कि नेताजी सेकुलर थे, उन्हें सावरकर के साथ मत जोड़ो। इस पर मैं चंद्र कुमार से कहना चाहूंगा कि नेताजी क्या थे ये हमें आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपके केवल नाम में बोस है, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रत्येक भारतीय के मन में बसते हैं। उन्होंने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किया है, जो बलिदान दिए हैं, उन्हें कोई नहीं भुला सकता। हमारी स्मृतियों में वो सदा के लिए अमर हो चुके हैं। और रही बात सावरकर जी की, तो चाहे नेताजी हो या वीर सावरकर जी, उनके विचार थोड़े भिन्न हो सकते हैं, पर उनका उद्देश्य एक ही था, भारतवर्ष की स्वतंत्रता। और दोनों ही मानते थे कि अहिंसा की ढपली बजाने से कुछ नहीं होने वाला। फिल्म में वही दिखाया जा रहा है जो सत्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर जाने से पूर्व सावरकर जी से मिलकर गए थे, और सावरकर जी ने उन्हें प्रेरित किया था कि वो विदेश जाएं, बाहर रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें। यही दिखाने का प्रयास किया है निर्माताओं ने। बाकी इस घटना को यदि हम उनके जीवन से हटा भी दें, तो भी वीर सावरकर का व्यक्तित्व तो इतना विराट है। उन्होंने इतना कुछ किया है अपने जीवन काल में कि उन्हें महान बनने के लिए किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के नाम की आवश्यकता नहीं है। और एक बात चंद्र कुमार बोस के जैसे अन्य लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जिन्हें भी फिल्म से समस्या हो रही है, उन्हें फिल्म के रिलीज होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद में कोई टिप्पणी करे तो अधिक उचित रहेगा।